नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। दोस्तों, जब हम इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस या फॉस्फेट जो है वो डिटर्मिनेशन करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो हमें एक केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन। तो वही देखते हैं दोस्तों कि अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन जो है वो हम किस तरह बना सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस या फॉस्फेट के डिटर्मिनेशन के लिए। तो हमें बनाना है दोस्तों अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है वो हमें वे करना है 25 ग्राम जो है वो हम वे करेंगे 25 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट, और इसे जो है वो डिजोल्व करेंगे 175 ml डिस्टिल वाटर में, ठीक है। यानी हमने 25 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट लिया और 175 ml डिस्टिल वाटर में उसे डिजोल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक जो सॉल्यूशन हमें बनाना है दोस्तों, हमें लेना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये हमें लेना है दोस्तों 280 ml, यानी 280 ml जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसमें 400 ml डिस्टिल वाटर में ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिजोल्व करना है। यानी 400 ml डिस्टिल वाटर में आप 280 ml H2SO4 जो है वो ऐड करेंगे, तो हमारा ए सॉल्यूशन बनेगा और ये बनेगा बी सॉल्यूशन। तो उसके बाद दोस्तों हमें ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, ये जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 280 ml 400 ml में डिजोल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसे थोड़ा ये वार्म हो जाता है, तो इसे सबसे पहले हमें कूल होने देना है। थोड़ा सा कूल हो जाने के बाद ए और बी ये दोनों जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये मिक्स करना है, और इसका जो वॉल्यूम है वो हमें मेकअप करना है, ये डाइल्यूट करना है 1 लीटर। यानी इसका जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम वो हमें बनाना है दोस्तों 1 लीटर। तो इस प्रकार दोस्तों हम जो है 1 लीटर अमोनियम मॉलिब्डेट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम है दोस्तों कि अमोनियम मॉलिब्डेट जो है वो हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते, थोड़ा सा ही जो अमोनियम मॉलिब्डेट है वो ऐड करते हैं। तो आपको मान के चलते दोस्तों कि 1 लीटर नहीं बनाना है, हमें जो बनाना है मान के चलते हैं कि 1 लीटर की जगह अगर हमें 100 ml ही जो है वो अमोनियम मॉलिब्डेट बनाना है। तो यहाँ पे हमने टोटल जो वॉल्यूम लिया है वो लिया है दोस्तों 1 लीटर, यानी हमने पूरा का पूरा टोटल बनाया है 1 लीटर। पर आपको अगर 100 ml ही बनाना है तो 100 जो है इसका 10th पार्ट है, तो यानी 1 लीटर के लिए हमने ये जो पूरा लिया, तो मैं अगर 100 ml के लिए अगर बनाऊंगा दोस्तों तो ये जो है ये मुझे लेना पड़ेगा 2.5 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट। ये जो मैं लूंगा ये लूंगा 17.5 ml डिस्टिल वाटर में इसे डिजोल्व करूंगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो 28 ml लूंगा, और ये जो है ये लूंगा मैं 40 ml, ठीक है। तो अगर 100 ml के लिए बनाना है तो 2.5 ग्राम ये 17.5 ml डिस्टिल वाटर कॉन्सेंट्रेटेड, तो सबका जो मैंने है वो 10th जो पार्ट है वो लिया है। तो आप जो है 100 ml 200 ml आपके हिसाब से जो है बना सकते हैं। 200 ml लेना है तो ये आपको 5 ग्राम लेना पड़ेगा, ये इससे डबल लेना पड़ेगा, ये इससे डबल लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों जितना सॉल्यूशन हमें बनाना है उस तरीके से हम जो है इसे अरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अमोनियम मॉलिब्डेट जो है वो सॉल्यूशन बनता है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के डिटर्मिनेशन के लिए, जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ करते हैं ये केमिकल डिटर्मिनेशन के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।